चाहे पनीर बनानो, चाहे क्रीम बनानो, चाहे या कुछ भी जो भी हुआ, वे फैसिलिटी भी वो तोेंगी और फिर बाजाबता एक रेट फिक्स हुआ कि कितनों फैट है उसको कितनों रेट है, तो उसके नाल वो समझूँ कि काफ़ी एक बड़ी मुश्किल है जी लोगों की वह हल होगी और इंशाल्लाह ताला मेरा उम्मीद है कि आने वाला साल के बीच वह चीज़ अमली तौर के ऊपर काम। मारो प्रोग्राम जारी है, देखो एक और सेगमेंट। दूध रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियादी जरूरतों में एक है। वक्त का बदलन के नाल नाल दूध की मांग में हर रोज इजाफो दर्ज किए जा रहे है। आलमी बैंक की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दूध की मांग में हर आता साल में 5% को इजाफो दर्ज किए जा रहे है। आदादोशुमार दस रहा है कि रियासत में दूध की इस मांग नाल निबड़न वास्ते कोई तैयारी नहीं की गई है। गुजर तबको जुड़े इस कारोबार नाल खास कर वाबस्ता है कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे है। कश्मीर में गैर सरकारी तंजीमा की तरफों करवाया गया एक सर्वे में दस्या गया है कि सिर्फ जम्मू सांबा ते कठुआ जिला में 250 ऐसा ग्रां हैं जिन्ना दूध ग्रां का तौर पर तरक्की दी जा सके। ऐसो करन नाल गुजर तबका की माशी सूरत हाल ना तब्दील की जा सके। दूध की तरक्की वास्ते रियासती सरकार अपनी सतह पर कई इकदाम कर सके जिनमें जिला सतह का प्लान में दूध ग्रां यानी मिल्क विलेज बनाने का इकदाम। डेयरी फार्म खोलने वास्ते इमदाद ते तरबियत को एहतमाम, फीड का रेट कट करना या फीड पर सब्सिडी को एहतमाम, दूध बेचने वास्ते सिटी बूथ बनाने का इकदाम, माल चोखर की देखरेख वास्ते एनिमल हस्बेंड्री की टीम तरतीब देनी, दूध वास्ते नवी नस्ल मुतारफ करवानी, मैसा की देखरेख वास्ते खसूसी डॉक्टर की टीम की तैनाती, गुजर बस्तियां में हैवानी सेहत मराकज को क्याम ते दूजा इकदाम शामिल है। कि मटन हम इंपोर्ट करा लगा हुआ, एक्सपोर्ट हमना करना चाहिए, हम इंपोर्ट करा लगा हुआ, राजस्थान तो पेड़ा में लगी हुई दूसरी जगह तो थारा सामने है सारो कुछ, तो क्यों मारो जो बकरवाल है जो मारो एक सिलसिलो है पेड़ बकरी को उसना क्यों नहीं प्रमोट किया जा, तो बोर्ड इसमें क्या कर रहे हैं? देखो जनाब, यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि यो एक ऐसी इंडस्ट्री है जी जी कि वो समझूं कि इसका मुकाबला की इंडस्ट्री का ही नहीं जी जी, लेकिन बजाय इसके इसना प्रमोट करन गए जी जी, इसना रोज ब रोज इन्हें दिक्कतों को मुश्किलातों को, आज तुम देखो पिछला 2 महीने दे एक चर्चो चले लोगों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जी। वो जगह जगह दे इन्होंने जो ग्रेजिंग एरिया है कितने उन्होंने बंद करें लगा हुआ, कितने इन्होंने डिसलोकेट करें लगा हुआ, इन्होंने कटें लगा हुआ, तो यह एक काफ़ी बड़ी मुश्किल है जी इस वक्त इन लोगों के सामने, जिसको नतीजो है जी जी। कि धीरे 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 इस पेशा ने लोग छोड़े लगा हुआ। हाँ। पहला एक टर्मायल जिस वक्त एक मिलिटेंसी को आयो जी, उसमें भी सबसे ज़्यादा मुतासर ये लोग हुआ जी, अपर रीचेस के ऊपर ये तने तनहा हुए था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो जिस किस्म की मुखावे थी वह फिर उसी किस्म का अपना जुल्म मचावे थी जी, तो उस चीज़ ने भी इन्होंने बड़ो मुतासर कियो। फिर उसके बाद तुम देखो कि इस वक्त रियासत के बीच अंदर मीट की जिड़ी हमारी ज़रूरत है, मटन की जितनी ज़रूरत जितनी भी ज़रूरत है उसको 80% जो है वो हम बाहरों इम्पोर्ट कर रहे हैं, सही है, 20% भी लोकली पूरा नहीं हो सकते जी जी। उसके वास्ते हुकूमत ने ज़रूर मुफ्ती साहब मरहूम अल्लाह ताला जन्नत बख्शे था बिल्कुल, वे इस चीज़ के वास्ते बड़ा संजीदा था और वे चाहे था कि यह जी शीप की इंडस्ट्री है
क्योंकि वे कहवे में था कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ और मुल्कों की मिसाल दें था कि उत शीप की इंडस्ट्री जड़ी है वह उस मुल्क की पूरी इकानमी ना बूस्ट करे लगी। तो इसी तरह हमारी रियासत के बीच भी इसको स्कोप थो लेकिन उस चीज़ की तरफ कोई ज़्यादा हो नहीं सक्यो। लेकिन मैंने उम्मीद है हूँ मेरी पिछली दफ़ा हमारा चीफ का मिनिस्टर है कोहली साहब उन्होंने नाल भी गल हुई थी उन्होंने भी कई बड़ा अच्छा इकदाम इस सिलसिला में उठाया है। तो आने वाला वक्त के बीच मैंने उम्मीद है कि जिन्हें मायूसियों का ये शिकार होया हुआ था उन्होंने इन्होंने कट सकेंगा इस कम्युनिटी ना। वूलगो परूं पूछना चाहूँ कि वूलगो जो हमारे को इतना बड़ो मतलब सिस्टम है मतलब शीप को उसके ऊपर वूल तो आवे साल में